हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन रॉयल मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि खुश कैसे रहना है, हैप्पी हैप्पी ज़िंदगी कैसे रह कैसे बितानी है। खुशी हमारी वो भावनात्मक मनोदशा है जो हमारे चेहरे पर ही दिख जाती है। यदि आप हमेशा खुश रहते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव एक्टिविटी हमेशा बना रहेगा। ज़िंदगी में खुश रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा, किसी को नहीं पता कि उनका कल कैसा होने वाला है। इसलिए अपने आज को खुशी से जिए, साथ ही दूसरों की ज़िंदगी में भी खुशी के रंग भर दे। जब आपके पास का माहौल खुशनुमा होगा तो आपके जीवन भी बेहतरीन होगा। खुशी हमारी वो भावनात्मक मनोदशा है जो हमारे चेहरे पर ही दिख जाती है। अगर आप हमेशा खुश रहते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव एक्टिविटी हमेशा बना रहेगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में खुशियाँ भर देती है। हर कोई चाहता है कि वो अपने जीवन में खुश रहे, लेकिन कई बार ऐसा मौका आते हैं जो दुख से भरे होते हैं, लेकिन किसी को दुख के कारण जीवन थम नहीं जाता। हमें हमेशा नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए ताकि ज़िंदगी में खुशियाँ बनी रहे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू वीडियो देखें। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन बताया हूँ, ठीक है दोस्तों। सो गाइस, आपको कैसा लगा? अपने हैं तो सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कैसा लगा आपको। बीते वक्त को याद ना कर, किस्मत में जो है उसकी फरियाद ना कर, जो होना है वो होकर रहेगा। तो दुख सोच कर अपनी खुशी बर्बाद ना कर। ज़िंदगी हमें अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं, हमें अलग अलग समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन जो ज़िंदगी के इस खेल को समझता है वो बेहतर करता है। जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहते, इसलिए जो बीत गया उसको याद करके दुखी नहीं होना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव होकर अपने सफ़र पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी ना गिरने या असफल ना होने में महानता नहीं। गिरकर हर बार उठना और असफल होने के बाद फिर से प्रयास करना महान लोगों की निशानी है। जीवन में सफलता और असफलता का दौर लगा रहता है। असफलता के घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि असफलता से जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। दुनिया में कई ऐसे लोग हुए हैं तो कई बार असफल हुए हैं, लेकिन लगातार प्रयास करने से उन्हें सफलता मिली। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। इसी पे आप एक शायरी सुना देता हूँ, आप हमें सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें दोस्तों। इसी पे शायरी सुनाता हूँ। भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो आसमां होता है। भीड़ से अलग अपना रास्ता खुद बनाएगा तो वही बड़ी कामयाबी जरूर मिलेगी। दुनिया में सभी आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए लोग को जब लगता है कि वे भी आसान रास्ते पर अपना कर आगे बढ़ेंगे तो उन्हें भी सफलता मिल जाएगी। ऐसे सोचने वालों से उस रास्ते पर भीड़ चढ़ बढ़ जाती है, लेकिन इसी भीड़ में जो अपना अलग रास्ता अपना कर आगे बढ़ता है उसे सफल जो अकेले करना पड़ता है, लेकिन उसे जो कामयाबी मिलती है वो सबसे बेहतरीन होती है। हार और जीत में बस उतना फासला होता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देने में। हार और जीत जीवन का खेल है, ये लगातार चलते रहता है, इसलिए हारने पर घबराना नहीं चाहिए। जो हार नहीं मानता वही आगे चलकर सफल होता है, और जो बीच में रास्ता छोड़ देता है सफलता उसे उतनी ही दूर चली जाती है। इसलिए कामयाबी के लिए पॉजिटिव सोच के साथ हमेशा मेहनत करते रहे और हार ना माने। लोग उतने ही खुश होते हैं जितना वे अपने दिमाग में मान कर चलते हैं। खुशी को अपना कोई पैमाना नहीं होता। आप चाहे तो
आप चाह ले तो दुनिया की सारी खुशी आपके पास ही है, और अगर ना चाहे तो दुनिया में सबसे दुखी आप ही है। इसलिए अच्छे तो हो तो ये है कि हम सकारात्मक सोचें और खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करें, हमेशा खुश रहने और मुस्कुराते रहें। आप सभी को खुश नहीं होंगे अगर यही खोजते रहे कि खुशी में होता क्या है। खुशी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप खुशियों को लेकर ये तय कर लेंगे कि कब खुश होना है और कब नहीं, तो आप कभी खुश नहीं पाएंगे। इसलिए बिना किसी वजह के भी हमेशा खुश रहना चाहिए। खुशहाल ज़िंदगी के लिए बहुत कम चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये चीज़ें आप में और आपकी सोच में ही मौजूद होती है। सोच इंसान को हर चीज़ दिला सकती है। यदि आप पॉजिटिव सोच के साथ किसी भी काम को करते हैं तो उसमें आज नहीं तो कल आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। जितना आपके पास है उसमें खुश रहे। जो आपको चाहिए उसे उसके लिए हमेशा उत्साहित रहें। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन पर। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं आप।